अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा जैज़ की 4G इंटरनेट डिवाइस का। तो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने से पहले मैं आपको अपने ओपिनियंस बता दूं। जब मैंने इसको परचेज़ किया है उससे पहले एज़ पर माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे इलम था कि ये 4G डिवाइस जो है वो इसकी प्राइस जो बैटरी वाली है, जिसके साथ बैटरी यानी कि पावर बैंक इंक्लूड होता है जिसमें, वो 3000 की थी और जो विदाउट इसकी बैटरी के थी वो यूएसबी स्टिक छोटी सी वो 2000 की थी। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये था कि ये आप डिवाइस लें तो उसके बाद आपको फर्स्ट मंथ इंटरनेट फ्री है, जो मर्ज़ी पैकेज आपने लगाया हो। तो उसके बाद दोस्तों मैं गया जैज़ की फ्रेंचाइज पे। जैज़ की फ्रेंचाइज पे जाने के बाद मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो है 3000 की डिवाइस है। उसके बाद आपके पैकेज के जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा से आपको पे करने पड़ेंगे। मैंने उनसे बात की कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये डिवाइस के बाद इंटरनेट आपका 1 माह के लिए फ्री है, जो उनसा मर्ज़ी पैकेज लगाएं, लेकिन उन्होंने इस बात से टोटली डिनाई किया। तो उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि मैंने सोचा कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी कॉस्ट थी 3000 वो लेकर गया था, उसके ऊपर मैंने 1000 एक्स्ट्रा रखा हुआ था, जबकि मुझे पैकेज चाहिए था 1500 वाला। तो पैकेज की भी डिटेल फर्दर बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको अपनी अपने आप बीती हुई सुना रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद डिनाई करने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे करें, मेरे पास 1000 ऊपर है, आप 1000 वाला पैकेज कर दें, मैं बाद में नेक्स्ट टाइम पैकेज चेंज करवा लूँगा। तो उस टाइम वहाँ पे जो सेलमैन था फ्रेंचाइज पे, उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ जितने आप पैसे ले कर रहे हैं आप उतने दे दें, नेक्स्ट जो 500 हैं वो आप मुझे नेक्स्ट डे या अनदर डे आप मुझे पे कर दीजिएगा। तो मुझे वहाँ पे बहुत जो है ना वो एक हैरानगी हुई कि कोई बंदा किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ता और वो फ्रेंचाइज पे बैठ के मुझे कह रहे कि आप मुझे 500 रुपया बाद में दे दें। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो मेरी नॉलेज था, जो मेरा ख्याल था वो बिल्कुल ठीक है, ये डिवाइस फ्री, डिवाइस के चार्जेस पे करने के पड़ेंगे, उसके बाद आपका इंटरनेट फ्री है। तो मुझे समझ लगी कि वो बंदा जो है मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। मैंने खैर उससे परचेजिंग की बात कर ली तो मेरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई नादरा की तरफ से। तो उसके बाद उसने कहा जी ये डिवाइस आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, आप ले जाएं, आप नेक्स्ट टाइम पे कर देना जो आपके पैसे ड्यूज़ हैं तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। मैंने उससे कहा ये आप डिवाइस अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे नाम पे नहीं होगी इंटरनेट नहीं चलेगा, मैं ये डिवाइस नहीं लेके जा सकता। खैर वो बात एक लहजा सेपरेट इशू। नेक्स्ट शॉप पे मैं गया, फ्रेंचाइज को छोड़ के किसी अदर शॉप पे मैं गया, तो उसने भी मेरे से यही बात की कि डिवाइस या वो 3000 के पैकेज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। खैर अब मैं क्या करता, मुझे डिवाइस तो चाहिए थी, मैंने परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद अब दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने इनवॉइस बनाने के, पहले तो उसने इनवॉइस नहीं बनाई, जब इनवॉइस बनाई तो उस इनवॉइस के ऊपर ये आप पढ़ सकते हैं मोबलिंक, मोबलिंक वाईफाई 4G डिवाइस है और ये उसने 3000 यहाँ पे बिल बनाया, जबकि मैंने पे किया था 4500 यानी कि 4500, जो कि 1500 रुपये उसने पैकेज के काटे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अदर सोर्सेज से पता करके जाएं, क्योंकि ये डिवाइस फ्री है, उसके बाद सॉरी डिवाइस पेड है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट मंथ पैकेज है वो फ्री है। तो आप अगर कोई आपकी कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस बेस पे भी डिवाइस परचेज़ करें। मेरी तरह मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आजारी हो, इसी वजह से मैंने ये इनवॉइस को भी फोल्ड कर दिया है, जो इसका शॉप का टाइटल था वो मैंने इसको जो है वो हिडन कर दिया, दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। लेकिन और मैं किसी को एक्सपोज ऑफ भी नहीं करना चाह रहा, किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रहा, मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है कि मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँ। तो दोस्तों अब मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं। दोस्तों दूसरी जो एहतियात आपने करनी है, ये बिल को मैं साइड पे रख देता हूँ, आपने ये सील चेक करनी है, ये सील ओपन नहीं होनी चाहिए, सील जो है लगी होनी चाहिए। इसकी सील को ओपन करते हैं, ये सील को मैंने ओपन कर लिया, अब इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। ये दोस्तों इसके साथ एक डिवाइस है जो कि प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, प्लास्टिक की इसकी केसिंग है, तो आई गेस यहाँ से ओपन होगी, ये साइड पे एक निशान सा बना हुआ है, यहाँ से ओपन होगी।
तो दोस्तों ये ओपन हो गई है। इसमें एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट है और ये एक सिम की स्लॉट है। उसके अलावा दोस्तों बैटरी इसके अंदर नहीं है। इसका पावर का बटन है ये वाला, जैज़ का लोगो है, सिग्नल की इसकी एलईडी है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी वाईफाई, और आई गेस इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये इसके साथ, इसकी पैकिंग के साथ था। ये कुछ इसकी सिम है जैज़ वारिद की, आपको पता है दोनों कंपनी जो है मर्ज हो गई हैं, मर्ज होके एक ही बन गई हैं, तो सिम है। उसके बाद दोस्तों इसका आई गेस ये वाईफाई यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ इसके सर्विस सेंटर के बारे में डिटेल लिखी हुई है, वारंटी की जो क्लेम प्रोसेस और उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इसके साथ मिल जाती है माइक्रो की यूएसबी, माइक्रो यूएसबी जो कि एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल के साथ भी मिल जाती है। और उसके अलावा दोस्तों ये बैटरी है, तो बैटरी की अगर बात कर ली जाए तो ये 2300 mAh की है और 3.8 वोल्ट है। बैटरी काफ़ी जो है वो वजनी लग रही है, आई गेस इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है। ये अभी सिर्फ रिव्यू है इसका, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। और ये इसका चार्जर है, चार्जर कितने एम्पेयर का है, चार्जर जो है दोस्तों 0.15 एम्पेयर इसकी इनपुट है, आउटपुट है 1000 mAh, तो ये 1 एम्पेयर का बनता है, 5 वोल्ट का चार्जर है। 1 एम्पेयर ठीक है इस बैटरी के लिए, तो चार्जर भी काफ़ी क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी, बिल्ड क्वालिटी चार्जर की भी अच्छी है। उसके अलावा ये खाली बॉक्स है और इसके पीछे भी स्पेसिफिकेशन लिखी है बॉक्स के ऊपर, 4G स्पीड अप टू 150 Mbps, WPS वाईफाई है, बैटरी कैपेसिटी वही 2300 mAh है, सही लिखी हुई है, और अप टू 12 वाईफाई कनेक्शन, इसके साथ 12 वाईफाई के कनेक्शन आप लगा सकते हैं, या 12 मोबाइल लगा लें या 12 कंप्यूटर लगा दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और 1 टैप सेटिंग है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और 32 GB के मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो एक सिग्नल इंडिकेटर था, कनेक्शन इंडिकेटर था, वाईफाई इंडिकेटर था, जो एंड पे था वो WPS इंडिकेटर था, तो ये वाईफाई प्रोटेक्शन की बटन होता है, तो ये इसके साइड पे बटन भी लगा है WPS। अगर आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन कर रहे हैं और आपको पासवर्ड का नहीं पता, तो आप इस बटन को प्रेस करके इस लाइट के थ्रू जो है वो डायरेक्टली उसके किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनी सिक्योरिटी की। तो दोस्तों ये तो थी डिवाइस, इसको ऑन भी करके देख लेते हैं, तो ज़रा इसका बूट भी देख लेते हैं, फर्स्ट बूट पे ये किस तरह का इंटरफेस देती है। तो चलिए ज़रा इसको ऑन करते हैं, सॉरी ये नीचे वाला बटन था। ये दोस्तों इसकी लाइट ऑन हो गई है, ये ब्लू कलर की है, साथ सारी वाइट कलर की भी ऑन हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब रेड कलर की सिग्नल की वो ब्लिंक कर रही है, इट मींस कि वो सिग्नल जो है फाइंड आउट कर रही है, सर्चिंग पे लगी हुई है। तो दोस्तों इसकी बाकी बाद में बात करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल में अनदर वीडियो में सेपरेट शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, इसको चलाना किस तरह से, इसकी स्पीड किस तरह से चेक करनी है, इसके रिमेनिंग MB किस तरह से चेक करनी है और इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, वो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए दोस्तों बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।